नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज 48। पेश है ये खास रिपोर्ट। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन अशोक कुमार वर्मा ने पलवल नाइक परिसर में बाल संगम सेंटर का रिबन काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला सेवक प्राधिकरण एवं सचिव डॉक्टर कविता मौजूद थी। जिला विधिक सेवक प्राधिकरण एवं सचिव डॉक्टर कविता ने बताया कि न्यायिक परिसर के द्वितीय तल्ले पर बाल संगम सेंटर खोला गया है। कोर्ट परिसर में न्याय प्राप्त करने के लिए आने वाले लोगों के बच्चों को रखा जाएगा। इसके अलावा स्टाफ व वकीलों के बच्चे को भी यहां रखा जा सकता है। बच्चों की देखभाल के लिए 2 रखे जाएंगे। यह बाल संगम सेंटर सुबह व शाम को 2 शिफ्ट में चलाया जाएगा। डॉक्टर कविता ने बताया कि बाल संगम सेंटर में बच्चों के लिए आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। सेंटरों की दीवारों पर वॉल पेंटिंग की गई है, जिसपे कार्टून, कविता, कहानियां, स्लोगन लिखे हुए हैं। बाल संगम सेंटर में बच्चों के मनोरंजन के साथ साथ उनकी शिक्षा पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए किताबें भी रखी जाएगी। बच्चों के खाने के लिए पैक फूड भी दिया जाएगा। सेंटर में एक किचन भी बनाया गया है। बच्चों के सोने के लिए भी प्रबंध किया जाएगा। न्यायिक परिसर में खोले गए सेंटर में कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को छोड़कर जा सकता है। सेंटर में मौजूद अटेंडेंट बच्चों को पूरी देखभाल करेगा। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में ये जो क्रैच खोला गया बच्चों के लिए, ये इसलिए खोला गया कि यहाँ पर जो वर्किंग एम्प्लॉयज हैं या जो एडवोकेट्स हैं या जो स्टाफ है या इवन जो लिटिगेंट्स हैं जिनके से छोटे छोटे बच्चे आते हैं, और उनको कहीं बैठने की, सोने की, रखने की व्यवस्था होनी चाहिए, वो उस उद्देश्य से इस कमरे को बनाया गया है। और चाइल्ड फ्रेंडली कमरा हमने कोशिश किया बनाने के लिए। इसमें अभी और 2-3 चीज़ें प्रपोज्ड हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम कोशिश करेंगे कि इसमें पूरी हो जाए। और यहाँ पर बच्चों की देखरेख के लिए भी 2 एम्प्लॉयज़ डिप्यूट किए गए हैं सुबह और दोपहर की शिफ्ट के लिए अलग अलग, ताकि बच्चों की ठीक से देखभाल हो सके। अब तक की खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 48।